कि एक चम्मच इस्तेमाल करने से ही आपके सफेद बाल जड़ों से काले बनना स्टार्ट हो जाएंगे। आपके जो सफेद बाल हैं या प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर है या कम उम्र में सफेद बाल होते जा रहे हैं, बाल टूटते जा रहे हैं, बाल झड़ते जा रहे हैं और बालों का झड़ना जो है आपका बंद नहीं हो रहा, तो इस जरूर से इसे वीडियो शेयर करने वाली वो आप जरूर से इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स देखिएगा, बढ़ती उम्र के साथ बाल सफेद होना आम बात हो चुकी है, लेकिन जब कम उम्र में यह समस्या होने लगती है तो बहुत ज्यादा जो है चिंता का विषय बन जाती है। हमारे बालों का काला मेलानिन जो है वो मेलानिन जो है पिगमेंट के कारण होता है और ये पिगमेंट बालों की जड़ों की सेल्स में पाए जाते हैं। फ्रेंड्स जब मेलानिन बनना बंद हो जाता है तो बाल बहुत ज्यादा सफेद होने लगते हैं हमारे। ऐसे में सफेद बालों की समस्या से छुटकारा पाने के लिए हम काफी हेयर मास्क यूज करते हैं। फ्रेंड्स ऐसी ही एक पैक मैं आज शेयर करने वाली हूँ जो सफेद बालों की समस्या को आपका छुटकारा देगा। अब देखिएगा, ये है टोमेटो पाउडर और ये जो है टोमेटो हमारे बालों को सफेद होना बंद करेगा। साथ ही टमाटर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है जो सिर की कोशिकाओं को रिपेयर करने में मदद करता है, साथ ही स्कैल्प से सारी गंदगी हटाने का और जड़ों को मजबूत बनाने का काम करता है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, टमाटर बालों को मजबूत बनाने के साथ साथ उन्हें रेशम सा मुलायम भी बनाता है। काफी लोगों को कम पता है टमाटर का यूज और आप लोगों ने किया भी नहीं होगा। फ्रेंड्स अगर आप इस हेयर मास्क का इस्तेमाल करेंगे तो आपके बाल बहुत ज्यादा हेल्दी होंगे। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिया है हर्ब टॉनिक का टोमेटो पाउडर और देखिएगा फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लूंगी 1 टेबल स्पून टोमेटो पाउडर। तो देखिएगा फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लूंगी 1 टेबल स्पून, इस तरीके से छोटा स्पून मैं यहाँ पे ले रही हूँ। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है टमाटो पाउडर। फ्रेंड्स सेकंड इंग्रेडिएंट जो मैं यहाँ पे ले रही हूँ वो देखिएगा, ये देखिएगा, ये है एलोवेरा लीफ पाउडर। अब एलोवेरा जो है हमारे बालों की जड़ों को मजबूत करता है, डेंड्रफ की समस्या हो, आपके बालों में इचिंग हो, सबको दूर कर देता है। और जैसे एलोवेरा बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है ऐसे ही ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। अब इसके बाद में अब देखिएगा फ्रेंड्स मैं यहाँ पर ले रही हूँ इंडिको लीफ पाउडर और इसे नील पत्ता भी कहते हैं। नील पत्ता जो है बालों को नेचुरल तरीके से कलर देने का काम करता है, सफेद बालों में कलर देता है, सफेद बालों को काला बना देता है। आप इतनी क्वांटिटी में ले लीजिए। अब आपको इसे मिक्स करना है आपके बालों के अकॉर्डिंग, अगर बाल बहुत ज्यादा सफेद है। कॉफी जो है बालों की सारी समस्या को दूर कर देती है, सफेद बालों को काला करती है, इस तरीके से आप जो है कॉफी का यूज कर लीजिए। अब देखिएगा आप हल्का सा निवाया पानी ही आपको इसमें डालना है। देखिएगा फ्रेंड्स आपको इस तरीके से गुनगुना पानी डालना है, आप चाहे तो चाय पत्ती का पानी भी डाल सकते हैं। इस तरीके से एक पेस्ट आपको रेडी कर लेना है। अब देखिएगा फ्रेंड्स काफी लोगों को काला कत्था नहीं मिलता तो उसकी जगह मैं ये बता रही हूँ आपसे, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल। अब हम इसमें एक पाउडर और ऐड करेंगे जो हमारे सफेद बालों को काला बनाएगा। अगर आपको ये पाउडर मिल जाता है तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, नहीं मिलता तो आप स्किप भी कर सकते हैं इस पाउडर का 10 मिनट के बाद। तो पहले हम इसमें वो पाउडर डाल देते हैं, उसके बाद हम इसे ढककर रख देंगे। आप चाहे तो पॉलिथीन से भी इसे कवर कर सकते हैं क्योंकि इंडिको अपना कलर चेंज करता है। अगर आप ऐसे ही हवा में इसे उगड़ा छोड़ देंगे तो ये कलर नहीं देगा आपको। लगाने का काफी तरीका होता है फ्रेंड्स, सही तरीके से लगाएंगे तो इंडिको बहुत अच्छा कलर देगा आपके बालों के अंदर। इस तरीके से मिक्स कर दीजिए। तो फ्रेंड्स देखिएगा मैंने एक चम्मच लिया है आयरन पाउडर, इस तरीके से आप ले लीजिए। आयरन पाउडर आपको आयुर्वेदा शॉप पर मिल जाएगा और ये जो कलर देता है ना फ्रेंड्स, बालों का टूटना झड़ना बंद करता है आयरन पाउडर और आपके सफेद बालों को जल्द से जल्द काला बनाता है। प्री मैच्योर क्योंकि ग्रेइंग हेयर ये खत्म कर देता है पूरी तरीके से। आयरन बहुत अच्छा होता है हमारे बालों के लिए और इस तरीके से आप इसे जो है कवर करके 10 से 15 मिनट कवर करके रखें, उसके बाद बालों में अप्लाई करें। गुनगुने पानी से ही आपको मिक्स करना है, तभी इंडिको कलर देगा अपना। और आपको अपने बालों में अप्लाई करना है, पूरे बालों में लगा के छोड़ दीजिए, वेयर ड्राई होने दीजिए, नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कीजिए, रात को ऑयलिंग कीजिए और 2 दिन के बाद ही हेयर वॉश करना है आपको। जब आप इसको लगाते हैं तो नॉर्मल वाटर से, रात को ऑयलिंग करते हैं माइल्ड ऑयलिंग यानी कि हल्का ऑयल लगाना है, 2 दिन के बाद शैम्पू करना है, माइल्ड शैम्पू इस्तेमाल कीजिए। अब माइल्ड शैम्पू लोग पूछेंगे कि फ्रेंड्स कैसा होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ। माइल्ड शैम्पू में आप एलोवेरा मिक्स कर लीजिए तो वो बहुत अच्छा शैम्पू आपका बनकर रेडी हो जाएगा, या आंवला पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं जो आपको सूट करे। आप इन दोनों में से हैं उसके बाद में शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं तो वो माइल्ड हो जाता है, हर्बल बन जाता है। तो अगर आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो एक बार से ही आपके बालों में कलर आएगा, रेगुलर से आपके प्रीमैच्योर ग्रेइंग हेयर दूर हो जाएंगे, आपके बाल काले घने चमकदार बनेंगे।